दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब अचानक आपके घर पर कोई पक्षी आ जाता है। इस पक्षी को देखकर आपका मन खुश हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पक्षी के घर आने के पीछे वास्तु और धार्मिक वजह हो सकती है। दोस्तों जाने पक्षी का आना शुभ होता या अशुभ, सनातन धर्म में कुछ पक्षियों का विशेष महत्व है। इन पक्षियों का आपके आसपास होने का मतलब है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां रहेंगी। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं उन पांच पक्षियों के बारे में विस्तार से, जो यकीनन अगर आपके घर में आते हैं तो आपको कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। ये संकेत शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए जानते हैं अब उन पांच पक्षियों के बारे में विस्तार से। दोस्तों नंबर एक, मोर। प्रिय दर्शकों, मोर शिव पुत्र कार्तिक के भगवान का वाहन है। इसे पक्षियों के राजा का दर्जा प्राप्त है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इसी पक्षी के महत्व को दर्शाता है। हिंदू धर्म में मोर का मांस खाना महापाप समझा जाता है। अगर कभी मोर आपके घर में आए तो यह एक शुभ संकेत है, आपके जीवन में प्यार बरसने वाला है। दोस्तों दूसरा पक्षी है कौवा। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौवे अतिथि के आने की सूचना भी देते हैं। जब भी आप किसी शुभ कार्य की योजना बनाएं और कौवा बोलने लगे तो आपका वह कार्य जरूर सिद्ध होता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। दोस्तों तीसरा पक्षी है तोता। प्रिय दर्शकों, तोता का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। घर में तोता पालने से बुध ग्रह शांत होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगा रहता है, इसलिए दोस्तों तोते को बहुत ही शुभ पक्षी माना गया है। दोस्तों अगला पक्षी है उल्लू। प्रिय दर्शकों, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। मान्यता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते हैं और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू को भूत भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को अत्यंत चतुर कहा गया है। घर की छत पर उल्लू का बोलना यानी किसी शौक समाचार का आना हो सकता है। दोस्तों अगला पक्षी है गौरैया। मान्यताओं के अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। गौरैया का वास जिस घर में होता है वहाँ खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती हैं और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। इसलिए दोस्तों गौरैया पक्षी को बहुत ही शुभ पक्षी माना गया है। यकीन मानिए अगर आपके घर में भी ये पक्षी आ रहा है तो आपको मालामाल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों अगला पक्षी है नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी को देखने मात्र से ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पक्षी धन धान्य देता है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इस पक्षी के दर्शन मात्र से ही आप बहुत ही अमीर आदमी हो सकते हैं और आपके घर में बहुत सारी बरकत आ सकती है। तो दोस्तों यही थे वो पाँच पक्षी जो यकीनन अगर आपके घर में आते हैं तो बहुत ही आपको शुभ लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।